ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य के पद पर अटिक रहते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को नम आंखों से याद करते हुए रिजर्व पुलिस लाइन में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद स्मारक स्थल पर शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक MM बैग, अपार पुलिस अधीक्षक AK विजेता और सभी क्षेत्र अधिकारी समेत थाना और कोतवाली प्रभारियों ने पुष्प चक्र और पुष्प चढ़ाकर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक पर शहीदों के लिए सलामी दी गई और पुलिस अधीक्षक ने देश और प्रदेश के शहीदों को साहसपूर्ण कार्य करने की सराहना करते हुए कर्तव्य की बलिबेदी पर उनकी आहुति को याद करते हुए उन्हें नमन किया। आपको बताते चले कि 21 अक्टूबर को पूरे देश की पुलिस सेवारत शहीद हुए जवानों की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 5 पुलिस कर्मचारियों ने कर्तव्य की बेदी पर अपनी आहुति दी है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बैग ने कहा कि पूरे देश में आज शहीद दिवस बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन हम एक साल में शहीद हुए उन पुलिस कर्मियों को याद करते हैं जो श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते ड्यूटी पर ही उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए। उन सभी पुलिस कर्मचारियों को याद करते हुए और उनके द्वारा दिए गए अच्छे कार्यों को अनुसरण करते हुए आज हम यह लोग शहीद दिवस मनाया सर। शहीद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, आपका क्या? जी, आज पूरे भारतवर्ष में शहीद दिवस पुलिस परिवार के लोग मनाते हैं। पूरे एक साल में जो हमारे पुलिस कर्मी जिन्होंने अपने कर्तव्य परायणता दिखाते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पुलिस में सलितपुर में भी हम सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और ऐसे शहीदों को याद किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने कर्तव्य परायणता के दौरान।